साइंस फिक्शन मूवी अश्वत्थामा को लेकर सामने एक बड़ी अपडेट। किंग खान शाहरुख खान करेंगे अश्वत्थामा का रोल प्ले। जी हां, ब्रह्मास्त्र फिल्म में शाहरुख खान ने जो वानर अस्त्र का रोल प्ले किया था उससे पूरी दुनिया इंप्रेस हुई थी और फैंस चाहते हैं कि शाहरुख खान या तो एमसीयू में एक सुपर हीरो का किरदार निभाएं या फिर इंडिया में किसी सुपर हीरो का रोल प्ले करें। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के डायरेक्टर एक माइथोलॉजिकल सुपर हीरो साइंस फिक्शन फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम दी इमॉर्टल अश्वत्थामा है। कहा जा रहा है कि इस मूवी के लिए मेकर्स ने किंग खान को अप्रोच किया है। दी इमॉर्टल अश्वत्थामा में पहले रोनी स्क्रूवाला का पैसा लगा था लेकिन फिल्म के प्री प्रोडक्शन पर ही 30 करोड़ रुपए खर्च हो गए और रोनी स्क्रूवाला इस प्रोजेक्ट से हट गए और इसके बाद सोनी पिक्चर्स ने दी इमॉर्टल अश्वत्थामा के प्रोडक्शन का जिम्मा लिया है। डायरेक्टर आदित्य धर इमॉर्टल अश्वत्थामा को ग्लोबल लेवल की फिल्म बनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें ऐसा एक्टर चाहिए जिसे ग्लोबली जाना जाता हो। अब रणवीर सिंह और विक्की कौशल तो ऐसे एक्टर्स हैं जिन्हें नॉर्थ इंडिया के अलावा कम ही लोग पहचानते हैं, इसलिए मेकर्स ने शाहरुख खान को अप्रोच किया है। एसआरके इस फिल्म को अगर करने से मना करते हैं तो मेकर्स के पास दो ही नाम बचते हैं। पहला नाम है जूनियर एनटीआर और दूसरा नाम है रामचरण, जिन्हें ट्रिपल आर के बाद पूरी दुनिया जानने लगी थी। तो इन तीनों में से कोई भी इमॉर्टल अश्वत्थामा का रोल प्ले कर सकता है। वहीं एसआरके ने कहा है कि वो अगले 10 सालों तक एक्शन फिल्म ही करेंगे। डंकी के बाद उन्होंने अभी तक कोई भी फिल्म साइन नहीं की है। ऐसे में अगर एसआरके इमॉर्टल अश्वत्थामा का रोल प्ले करते हैं तो ये भारत की सबसे बड़ी माइथोलॉजिकल साइंस फिक्शन फिल्म बन सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, एसआरके के साथ ये मूवी बनती है तो मूवी बॉक्स ऑफिस पे कितने करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी और क्या एसआरके इस मूवी के लिए हामी भरेंगे या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी फिल्मों से रिलेटेड ऐसे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि मैं मिलूंगा जल्दी किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय।